आज बहुत खुशी की बात है। और आप देखिए कि कल हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि 22 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड आज ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वेबसाइट पर भी शो सकता है, लिंक शो नहीं कर रहा है, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, मे भी पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगी थोड़ी देर बाद। और रिजल्ट जो जारी किया गया है 3 विषयों का, उर्दू का, संस्कृत का और साइंस का, इसमें जो है आपको उर्दू में 1000 सीटें हैं और 1000 सीटों पे 832 लोगों का मतलब चयन हो पाया है, यानी कि जितना सीट है उतने लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं, 832 लोग का चयन हुआ है। संस्कृत में 1055 वैकेंसी थी जिसमें 862 लोग ही क्वालिफाई कर पाए हैं। और उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में 5055 था सीट और लोग क्वालिफाई कर पाए हैं 4383, यानी तीनों विषयों में जो वैकेंसी जितनी निकली हुई थी उससे कम ही लोग क्वालिफाई कर पाए हैं और सीटें खाली रह गई हैं। टोटल वैकेंसी जो थी वो आपको 7110 थी, लेकिन जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो 6077 ही चयनित हुए हैं, मेरिट लिस्ट में आ पाए हैं, और 1033 सीट जो है ये 3 विषयों में खाली रह जाएगी। इसी के साथ साथ बीएससीबी ने बाकी जो विषय थे, जो हम लोग का जो 12 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ था, उसका भी आज पूरा डिटेल्स प्रकाशित कर दिया है। डिटेल्स में मैं बारी बारी से सुना देता हूँ आपको। हिंदी में 3000 वैकेंसीज थी आपको, और 3000 वैकेंसीज के अगेंस्ट 2812 लोग का ही चयन हो पाया, यानी 188 सीट खाली रह गया। उसके बाद आइए इंग्लिश पेपर वन में 5055 वैकेंसीज थी जिसमें मात्र 3835 लोग ही चयन हो पाए हैं, यानी 1220 सीट खाली रह गई है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश के बाद मैथ्स में, तो मैथ्स में 5055 सीट था और 4365 लोगों का चयन हुआ है, 690 सीटें खाली रह गई है। सोशल साइंस एज एक्सपेक्टेड, हम लोग बहुत डरे हुए थे कि इतना रिजल्ट है, बहुत लोग भरमा रहे थे हम लोग कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट आया हुआ है, लेकिन वो भी क्लियर हो गया। आज हम लोग सोशल साइंस वालों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, चूँकि हम लोग हमेशा डर रहे थे कि कितना मतलब रिजल्ट है इसको लेके, कि सोशल में हमेशा एक कन्फ्यूजन बना हुआ था कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए हैं, लेकिन आज ये आ गया कि 5055 लोग ही सोशल साइंस में क्वालिफाइड हुए हैं। और इसमें वैकेंट सीट 0 रह गई है, बिकॉज हम लोग की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए जितने सीटें थी उतना लोग का रिजल्ट आ चुका है, मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड है वो। और हम बात करें सोशल साइंस के बाद इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में जो है आपको मेरिट लिस्ट में 1849 लोग का चयन हुआ है, जबकि वैकेंसी 2126 थी जिससे 277 सीटें वैकेंट रह गई हैं। उसके बाद हम बात करें पेपर टू में जाते हैं, सॉरी मैं पेपर टू की ही बात कर रहा था, इंग्लिश की। पेपर टू मैथ्स की बात करें, पेपर टू मैथ्स में 1663 लोग का सिलेक्शन हुआ है, 2104 सीटें थी, 441 सीटें यहाँ भी खाली रह गई है। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपको वैकेंसीज थी, नंबर ऑफ वैकेंसी 2384 और मात्र चयन हो पाया है 814 लोगों का। फिजिक्स के लिए बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग कहते भी हैं, कुछ कुछ पिछले मंत्री कहते थे कि साइंस के अभ्यर्थी मिलते नहीं है बिहार में, आप लोगों ने इसको सही साबित कर दिया लग रहा है, क्योंकि मात्र 814 लोग चुने गए हैं मेरिट लिस्ट में और 1570 सीट जो है फिजिक्स में खाली जा रही है। उसी तरह अगर हम बात करें फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में 2221 सीट था और चयन मात्र 1104 लोगों का हो पाया है, 1117 लोग खाली हैं केमिस्ट्री, ये पेपर टू की मैं बात कर रहा हूं अभी आपको। फिर अगर हम बात करें जूलॉजी की बात करें, जूलॉजी में आपको 723 वैकेंसी थी, पूरी वैकेंसी फिल हो गई है, 0 उसमें वैकेंट सीट रहेगा। उसके बाद अगर बोटनी की बात करें, तो बोटनी में 835 सीटें थी जिसमें 651 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 184 सीटें खाली रह जाएंगी फिर से। और कंप्यूटर साइंस में बात करें, 1673 सीटें थी, 1673 आपका रिजल्ट आया हुआ है। और बात करें मैथिली की, तो मैथिली में आपको 106 सीटें थी और मात्र 54 लोग सेलेक्ट हो गए हैं, 52 सीटें मैथिली की खाली जा रही है, यानी समझ लीजिए जिनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसा कहा भी गया था कि जिनका सिलेक्शन होगा वो निश्चित है कि उनकी जॉब होगी, तो एक अच्छा हम लोग के लिए मिला कि पूरा डिटेल्स डाटा जो हम लोग ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से कि कब आएगा, वो डिटेल्स आज हम लोग को मिल गया कि हाँ कितनी सीटें जो थी और कितने कितने लोगों का चयन हुआ था, और सारी जो दुविधाएं थी वो सारी दुविधाएं दूर हो गई हैं। एक चीज निकल के आया कि जितनी वैकेंसीज थे, वैकेंसीज के अगेंस्ट में देखा जाए तो टोटल वैकेंसी हमारा 37,440 था, और 37,440 में आपको
खाली सीटें रह गई 5739 इधर खाली रह गई और इधर 1033, यानी लगभग मान के चलिए 6062 सीटें खाली रह गई, यानी 37,000 वैकेंसी के अगेंस्ट में मात्र 31,000 लोग क्वालिफाई कर पाए हैं। तो आप सोचिए, यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेस्ट लोग हो जो चयनित हुए हो इतने टफ एग्जामिनेशन में, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था। आपको पता है कितना टफ एग्जामिनेशन हम लोगों ने फेस किया है, इसलिए आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं। और उम्मीद करते हैं कि अब हमारी यूनिटी अब और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बिकॉज तीन विषयों को लेकर हम लोग थोड़ा सा हमेशा परेशान रहते थे कि हम लोग मजबूती से लड़ नहीं पा रहे, सरकार से अपनी बातों को रख नहीं पा रहे। आज एक नया जोश, नया एनर्जी हम लोग को मिला है और उम्मीद करते हैं कि इस नया जोश और एनर्जी को हम लोग बनाए रखेंगे। और मैं सब आप लोगों से आग्रह करूंगा कि बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग की जो ग्रुप है वो लगातार स्टार्टिंग दिन से ही, जब से एसटीटी स्टार्ट हुई थी तब से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप सबों का साथ मिलेगा इसमें, ताकि मजबूती से हम सभी सरकार से लड़ पाए, क्योंकि जैसा सरकार ने कहा है कि थोड़ा अभी टाइम लगेगा आप लोग के लिए, तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी मांगों को हमेशा लगातार रखेंगे। और ये सरकार को जताना है कि सातवां चरण हमें नाम ना दीजिए, आप देखिए जितनी सीटें हैं उससे कम अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, इतनी सीटें खाली हैं, आप जल्द से जल्द हमारी बहाली करिए। पूरी वैकेंसी फिल हो गई है और 0 उसमें वैकेंट सीट रहेगा। उसके बाद अगर बोटनी की बात करें तो बोटनी में 835 सीटें थी जिसमें 651 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 184 सीटें खाली रह जाएंगी फिर से। और कंप्यूटर साइंस से बात करें 1673 सीटें थी, 1673 आपका रिजल्ट आया हुआ है। और बात करें मैथिली की तो मैथिली में आपको 106 सीटें थी और मात्र 54 लोग सेलेक्ट हो गए हैं, 52 सीटें मैथिली की खाली जा रही है। यानी समझ लीजिए जिनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसा कहा भी गया था कि जिनका सिलेक्शन होगा वो निश्चित है कि उनकी जॉब होगी, तो एक अच्छा हम लोग के लिए मिला कि पूरा डिटेल्स डाटा जो हम लोग ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से कि कब आएगा, वो डिटेल्स आज हम लोग को मिल गया कि हाँ कितनी सीटें जो थी और कितने कितने लोगों का चयन हुआ था, और सारी जो दुविधाएं थी वो सारी दुविधाएं दूर हो गई हैं। एक चीज निकल के आया कि जितनी वैकेंसीज थे, वैकेंसीज के अगेंस्ट में देखा जाए तो टोटल वैकेंसी हमारा 37,440 था, और 37,440 में आपको खाली सीटें रह गई 5739 इधर खाली रह गई और इधर 1033, यानी लगभग मान के चलिए 6062 सीटें खाली रह गई, यानी 37,000 वैकेंसी के अगेंस्ट में मात्र 31,000 लोग क्वालिफाई कर पाए हैं। तो आप सोचिए, यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेस्ट लोग हो जो चयनित हुए हो इतने टफ एग्जामिनेशन में, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था। आपको पता है कितना टफ एग्जामिनेशन हम लोगों ने फेस किया है, इसलिए आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं। और उम्मीद करते हैं कि अब हमारी यूनिटी अब और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बिकॉज तीन विषयों को लेकर हम लोग थोड़ा सा हमेशा परेशान रहते थे कि हम लोग मजबूती से लड़ नहीं पा रहे, सरकार से अपनी बातों को रख नहीं पा रहे। आज एक नया जोश, नया एनर्जी हम लोग को मिला है और उम्मीद करते हैं कि इस नया जोश और एनर्जी को हम लोग बनाए रखेंगे। और मैं सब आप लोगों से आग्रह करूंगा कि बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग की जो ग्रुप है वो लगातार स्टार्टिंग दिन से ही, जब से एसटीटी स्टार्ट हुई थी तब से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप सबों का साथ मिलेगा इसमें, ताकि मजबूती से हम सभी सरकार से लड़ पाए, क्योंकि जैसा सरकार ने कहा है कि थोड़ा अभी टाइम लगेगा आप लोग के लिए, तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी मांगों को हमेशा लगातार रखेंगे। और ये सरकार को जताना है कि सातवां चरण हमें नाम ना दीजिए, आप देखिए जितनी सीटें हैं उससे कम अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, इतनी सीटें खाली हैं, आप जल्द से जल्द हमारी बहाली करिए। सो सब लोग को शुभ रात्रि। रिजल्ट का लिंक अभी नहीं आया है, बहुत लोग लिंक की बात कर रहे हैं कि लिंक कहाँ आया है, लिंक अभी नहीं आया हुआ, लिंक आएगा। और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है, आज मैं सही बता रहा हूँ आपको, मतलब कि एक रिजल्ट, एक बाधा जो है हम लोग